Hello everybody, welcome back to my vlog. So this is sketch number 2 and in sketch number 1 I have made Laddu Gopal jo ki aap logon ne bahut usko like kiya us drawing ko and thank you so much for that. So this is sketch number 2 and aap log guess kar hi lo ki main kya bana rahi hu. So chalo dekhte hain kaisa banta hai and wait for the final result. So yeah. एंड आप अभी देख लो थोड़ा सा तो आपको मतलब गैस हो ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ एंड चलो देखते हैं कि फाइनल लुक क्या आता है एंड कैसा बनता है. वैसे गाइज मैं ना जो स्केच वगैरह है ना बहुत पहले किया करती थी तो अब शादी के बाद आई थिंक ये मैं फिर से करने लगी हूँ. मैं बहुत पहले जब मतलब स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम हुआ करती तब बहुत करती थी एंड फिर पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि चलो यार फिर से करते हैं क्योंकि बैठे बैठे वैसे भी इंसान बोर हो जाता है तो इससे अच्छा है कि चलो कुछ ना कुछ कर ही लो यार. सो आप लोग देख लो एंड ये रहा थोड़ा सा आप गेस कर ही सकते हो मैं क्या बनाने जा रही हूँ एंड या यहाँ इतना बन चुका है. अभी इसमें ना और इसका फिनिशिंग देना बाकी इसके स्कर्ट वगैरह पे सब पे करना है. सो ये सब मैं कर रही हूँ एंड इसको थोड़ा सा मतलब सेडिंग वेडिंग दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ भाई उसने मतलब वो क्लोथ वेयर कर रखा है. सो बेसिकली दिस पिक इज ऑफ अ प्रेगनेंट वुमेन एंड इन विच हर हस्बैंड इज़ होल्डिंग हर स्टमक एंड दिस इज़ वॉट एवरी वुमेन वॉन्ट्स इन हर प्रेगनेंसी. चलो फिर फटाफट इसको रेडी करते हैं इसको पूरा कम्प्लीट करते हैं. सो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा मैं बस एक ऐसे बना रही हूँ मतलब ये ना मेरे को थोड़ा सा मतलब यू ऑल नो कि राइट नाउ आई एम यू ऑल नो यार क्या ही बताऊँ. सो दिस ड्राॅइंग इज़ जस्ट यू कैन से इट्स माई फीलिंग एंड फिर जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे मैं उनको भी दिखाऊँगी उनको कैसा लगेगा. एंड ये रहा मैं थोड़ा थोड़ा और इसको मतलब जो आउटर लाइन है ना उसको डार्क कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब जो उसका जो फाइनल लुक आए ना वो अच्छे से आए. सो गाइस मेरा मतलब मोस्टली बन ही चुका है एंड चलो फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक. सो या दिस इज़ द फाइनल स्केच एंड यहाँ पे मैं सोच रही हूँ नीचे ना कुछ कोटेशन वगैरह लिख दूँ इससे रिलेटेड. तो पहले मैंने पेंसिल से लिखी तो बहुत बेकार लग रहा था मतलब थोड़ा सा वो नहीं लग रहा था फिर मैंने ना इसको रेड पेन से लिखा एंड या यू कैन सी डियर हस्बैंड दिस इज़ व्हाट योर वाइफ नीड्स फ्रॉम यू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. ये तो हर वुमेन का यार होता है मतलब बट ठीक है. एंड मैं थोड़ा सा स्कर्ट वगैरह भी थोड़ा सा रेड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब अलग लुक दे. एंड गाइज यू कैन सी कैसा आपको लगा मेरा ड्राॅइंग. आई होप अच्छा लगा होगा मुझे मतलब ठीक है मतलब मैं जो फर्स्ट ड्राइंग बनाई थी ना मुझे लगता है वो अलग है ये अलग है मतलब. सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ये भी कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट ड्राइंग मतलब नेक्स्ट ड्राइंग क्या बनाऊं. एंड मैं तो सोच रही थी कि मैं कुछ गॉड से रिलेटेड बनाऊं. मैं वैसे आज गॉड से रिलेटेड बनाने वाली थी लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं ये बनाऊँ क्योंकि मतलब एक अंदर से फीलिंग आ गई थी नहीं यार चलो यही बनाती हूँ. वैसे भी मतलब अभी बेस्ट टाइम है इसको बनाने का. सो अभी मैं थोड़ा सा और फिनिशिंग इसको दे देती हूँ ताकि थोड़ा ये अच्छा लुक और आए. एंड आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा. एंड गाइज ये जो ड्राइंग वगैरह है ना ये ना मैं सोची थी पहले मतलब बना बना के अपने रूम में ना हैंग कर दूँगी फिर लगा कि नहीं यार मतलब मैं सोची थी ना अपना एक ड्राइंग बुक पूरा फिल करूँ उसके बाद जब जो रूम में मतलब हैंग करने रहेगा ना उसको मैं वो दूसरे पेपर पर बनाऊँगी. तो चलो देखते हैं. एंड वैसे आपने नोटिस किया होगा कि मतलब मेरा ना एक हाथ साइड में है क्योंकि मैं एक हाथ से स्केच कर रही हूँ और दूसरे हाथ से ना इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ फ़ोन से क्योंकि ऐसे होता नहीं है यार मतलब ट्रैपॉड भी लगा दो तो वो अच्छे से होता नहीं रिकॉर्ड. सो हियर इट इज़ एंड अभी मैं यहाँ पे क्रेडिट अपने आप को नहीं दी हूँ तो उसको मैं भी क्रेडिट देना बाकी है. मैं पता नहीं कि हमेशा भूल जाती हूँ क्रेडिट देना. चलो फिर दे देती हूँ अपने आप को क्रेडिट एंड मैं सबको दिखाऊँगी कैसा लगा कैसा लगा. एंड आप लोग पता है इससे रियली बताना कि कैसा लगा मुझे मतलब अच्छा लगा मुझे तो मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा मतलब ये मेरी मैं अपनी फीलिंग के साथ बनाई हूँ इसको. एंड सो गाइज दिस इज़ एंड आई होप यू लाइक माई स्केच एंड Yeah guys, so till then bye bye, do subscribe my channel and see you later, bye.